तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नंदिनी, ये क्या किया तुमने? पिछले 8 महीनों से ये तमाशा हमारे पीठ पीछे चल रहा है और किसी को कानों का खबर तक नहीं हुई। तुमने मुझे भी नहीं बताया। नफरत हो गई मुझे सभी से। प्यार में लोग दीवाने होते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि वो इस तरह की हरकत करेगा। मैं भी वही दीवानगी महसूस कर रही हूँ। पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया, पता ही नहीं चला माँ, पता ही नहीं चला मुझे। अपनी मर्जी से प्यार करने की इजाजत नहीं है किसी को इस घर में। अपने खानदान की कुछ रिवायतें हैं, तुम्हारे बाबा की बहुत इज्जत करते हैं लोग। आज तुम्हारी वजह से उन्हें अपना सर झुकाना पड़ा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सर उठा के ये तुमने कैसे सोचा कि वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? किसे मालूम था वो छोटी सी मुलाकात इतने गहरे रिश्ते में बदल जाएगी। समीर कहता है बाबा उससे बहुत प्यार करते हैं, वो जरूर मान जाएंगे माँ। कैसे मान जाएंगे? जरूर मान जाएंगे। उस विदेशी के साथ तुम्हारी शादी, जिसके ना खानदान का पता है ना पिछली जिंदगी का। तुम्हारी शादी वनराज के साथ तय हो चुकी है, कुंडलियां मिला चुके हैं हम लोग, वचन दे चुके हैं। शादी की रस्म समझाते वक्त जब फेरे लिए, तब ऐसा लगा जैसे सारी कायनात हमारी मिलन का जश्न मना रही है माँ। फेरे, शादी की रस्म, किस हद तक पहुंचा है तुम्हारा रिश्ता? क्या तुम वो तो नहीं कर बैठी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े? बोलो नंदिनी, नंदिनी बोलो, क्या उसे तुम्हें कहीं छुआ है? बताओ नंदिनी। यहाँ माँ, बस करो नंदिनी, मैं नहीं सुन सकती। उससे मेरी आत्मा को छुआ है माँ, उसकी आंखें मेरे रगों में बेतहाशा दौड़ रही है और हर वक्त मुझे देखती है। मुझे दो हिस्सों में मत बांटो माँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं सिर्फ उसकी हो सकती हूँ नंदिनी। मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ माँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। नंदिनी मेरी मदद करो माँ, होश में आओ नंदिनी, पापा को मना जाऊंगा। संभालो अपने आप को, मेरी बात सुनो नंदिनी, मेरी बात सुनो। मैं पापा को समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आती तुम यहां से हिलोगी नहीं, समझी? आज से मैंने अपना संगीत छोड़ दिया है और इसलिए अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरुजी, गलती हमारी है तो आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो आपसे नंदिनी का हाथ मांगने। गुरुदक्षिणा लेने का वक्त आया है। आज तक जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसकी कसम खाकर ये कहो कि आज के बाद तुम नंदिनी से ना तो मिलोगे और ना ही उसके साथ कोई रिश्ता रखने की कोशिश करोगे। यही मेरी गुरुदक्षिणा है। गुरुजी, क्या जाने से पहले मैं नंदिनी को एक बात देख सकता हूं? बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। नंदिनी, 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 समीर जा रहा है। बाबा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी, उठो। समीर हमेशा के लिए जा रहा है, जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी, जाओ। Ah!
इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियां, गम के खजाने मिलते हैं फिर, मिलती है तन्हाइयां, कभी आंसू कभी आहे, मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या